और उन्होंने जाकर के उस सारी चीज को नियमानुसार जो आपको पता होगा 102 सीआरपीसी के तहत उन बैग्स को खोला गया और उनको उनमें जो करेंसी थी उसको काउंट किया गया और नियमानुसार उनको जब्त किया गया। काउंटिंग में वो पैसा 2,31,00,000 और उसके आगे कुछ समथिंग निकला और साथ में एक किलो सोने का गोल्ड का बिस्किट भी उसके साथ में मिला है। अब प्रश्न ये है कि है किसका, किन परिस्थितियों में, कैसे आया, या इसका जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में इस चीज का खुलासा होगा आप लोगों को जल्दी इसके बारे में बता दें। फुटेज है सर वहां पे, कोई सीसीटीवी लगे होंगे? सीसीटीवी फुटेज है बैग और उसको देख करके ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो काफी दिन से वहां रखे हुए हैं, तो आपको सीसीटीवी फुटेज काफी पीछे तक जाके देखना पड़ेगा, लेकिन जल्दी खुलासा करते हैं सर। सेंसिटिव जल्दी सर को भी जानकारी दीजिए। 4 साल मान लें या मतलब 3 साल माने सर, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इसको बता सर। नहीं इतना भी पुराना नहीं है। सीएम सर को जानकारी दी गई सर पूरे मामले की? हाँ, मुख्यमंत्री महोदय को, चीफ सेक्रेटरी महोदया के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पूरे घटना की जानकारी जैसे ही सूचना मिली उस समय भी दी गई और अब तक की प्रगति से भी उनको अवगत कराया जा चुका है। ये स्पेसिफिक पता लग सकता है कि अलमारी कौन से विभाग की थी, क्या स्टेटिस्टिक्स की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी, डीवाईटी की थी या किसी? उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पहले हम विभाग का पता करेंगे, फिर उसके इंचार्ज का पता करेंगे, फिर उस आदमी का पता करेंगे और हम खुलासा कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।